इन सब बातों में आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं? अस्मा, क्यों क्यों, क्या ये सच नहीं है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिशात को, तुम्हारी खुशियां पूरी करने के लिए मजबूर हूँ? मैंने आपसे कभी भी हीरे जवाहरात महल नहीं मांगे, आप पूरी बात मुझ पे क्यों डाल रहे हैं? पूरी बात तुम पे डाल रहा हूँ मैं? मुझे सच बताओ, सच बताओ मुझे, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया? जो मेरी सितार भी नहीं थी वो भी सब कुछ किया मैंने, तुम्हारी खुशियां पूरी करने के लिए अपने महदूद वसाइल में रहते हुए मैंने सब कुछ किया। अर्शद, मैंने आपको ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा। देखे अर्शद, मेरी बात इधर आ, बैठे बैठे तो सही, यहाँ बैठे बैठे। हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इन सब मसलों का हल आपस में लड़ना नहीं है। तो फिर क्या हल है मुझे बताओ, क्या हल? मुझे तो कोई और हल नजर ही नहीं आ रहा सिवाय इसके कि मैं सबके पास जाऊं और जाके सच सच कह दूं। सच बताएंगे आप सबको? हाँ। आपको क्या लगता है आप जाकर सबको सच बता देंगे और सब आपको फूलों के हार पहनाएंगे, जूतों के हार पहनाए जाएंगे आपको? जिस तरह के आपके घर वाले हैं ना, आपको जूतों के हार पहना के मुंह काला करके मार्केट तक चक्कर लगवा कर लाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं फिर? आप खामोश रहे। मैं तो खामोश रह लूं, लेकिन लेकिन उसका क्या करूं जो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गया है? क्या करूं उसका?